विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज मैं अपनी बात को ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूँ। मेरी जो आज आपके साथ वार्तालाप है वो एक स्विच वर्ड के ऊपर है और बहुत ही अच्छी कहानी को लेकर के आज मैं आया हूँ। एक बार की बात है, महाराज अकबर के दरबार में उनके दरबारी बीरबल हुआ करते थे। एक दिन कुछ कार्यकाल चल रहा था दरबार का, उसी समय किसी कारणवश उनका महाराज अकबर का हाथ की उंगली कट गई। दरबार में उपस्थित बीरबल बोलते हैं हाउ वंडरफुल। इससे महाराज क्रोधित हो गए और महाराज क्रोधित हुए और उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि बीरबल को कैद किया जाए और काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। सेनापति आदेश पाते ही बीरबल जी को कैद कर काल कोठरी में बंद कर दिया। कुछ समय बीतते गया, महाराज एक दिन शिकार पे निकले अकेले। अकेले जब शिकार पे निकले तो उनको समय का आभास नहीं रहा और वो आगे बढ़ते गए, घना जंगल था, बढ़ते गए और वो एक आदिवासी जो झुंड था उस झुंड में जा पहुंचे। एक गैर मानव को देख करके आदिवासी लोगों ने तुरंत उन्हें बंदी बना लिया, उन्हें पकड़ लिया और अपने झुंड में लेकर के चले गए। वहां पे उत्सव चल रहा था, उनके जो कुल देवता होते हैं उनका वार्षिक उत्सव था, तो उन लोगों को एक नर मानव की तलाश थी, एक मानव की तलाश थी उनको बलि देने के लिए। इससे उनके देवता के समक्ष, कुल देवता के समक्ष बलि देने के लिए उनको एक नर मानव की तलाश थी। महाराज बहुत चिंतित हो रहे थे कि आज मैं बलि चढ़ने वाला हूं, मेरे साथ भी कोई नहीं है, मैं अब वापस लौटूंगा ही नहीं। बहुत सोच में पड़ गया। सोचते एक समय ऐसा आया जब उनको नहलाने के लिए ले जाया जा रहा था। एक उसी आदिवासी झुंड में जो उनके मुखिया थे, उनका जो नजर थी वो महाराज के कटे हाथ पे पड़ी। उनकी हाथ की उंगली कटी हुई थी तो उस पे पड़ी, तो उन्होंने बोला कि इनकी बलि नहीं हो सकती है। सारे लोग पूछे क्यों, वो बोले कि इनकी एक हाथ पहले कटी हुई है और हमारे कुल देवता को जो बलि दी जाती, उनके समक्ष जो बलि दी जाती है उस मानव की कोई भी अंग कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो महाराज बहुत खुश हुए, मैं तो बाल बाल बचा, अब मेरी बलि नहीं होगी, अब मैं घर जा पाऊंगा, अब मैं अपने राज महल वापस लौट पाऊंगा। रात का समय था, महाराज वहीं पे रुके और सुबह सुबह वहां से विदा लिए और वो अपने महल की ओर निकल पड़े। महाराज बहुत खुश थे। महाराज दरबार में आए और सिपाही को आदेश दिए कि बीरबल को दरबार में पेश किया जाए। बीरबल खुशी खुशी दरबार में गए। महाराज ने उनसे पूछा, बीरबल हाउ वंडरफुल, जो आपने बोला ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे काम किया। देखो, आपने मेरा हाथ कटने पे बोला हाउ वंडरफुल, कल मेरी बलि होने वाली थी, यही हाथ कटने के कारण मैं वहां से लौट करके आ गया हूं, ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया। अब आप बताओ कि आपने हाउ वंडरफुल बोला तो आपके लिए कैसे काम किया। बीरबल जी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज मेरे लिए मुझे भी जीवन दान दिया। महाराज असमंजस में पड़ गए, कैसे बताइए। उन्होंने पूछा, कैसे हमें भी बताइए। तो उन्होंने बोला, महाराज अगर मैं हाउ वंडरफुल नहीं बोला होता तो मैं कैद नहीं हुआ होता, और मैं कैद नहीं हुआ होता तो आपके साथ शिकार पे गया होता। आप जब आपके साथ शिकार पे गया हुआ होता और उनको
आपकी बलि नहीं देनी होती तो मेरी बलि हुई होती। सारे लोग असमंजस में पड़ गए। दोस्तों, स्विच वर्ड बहुत अच्छी तरह से काम करती है। मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको बताया, ऐसे मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आई है स्विच वर्ड को यूज़ करने से। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको स्विच वर्ड की जानकारी भी दूंगा और कुछ स्विच वर्ड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारी स्विच वर्ड हैं। थैंक यू। कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आप अर्जुन कुमार ब्लॉग देख रहे हैं। अपनी कहानी को ख़त्म करता हूं और जाते जाते आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर दिल से। थैंक यू।